से चुनाव लड़ेंगे, जान चले जाएगी पूर्णिया को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जनता उनके साथ खड़ी है और लोगों में आक्रोश पैदा हो गया है। ये जो सीट जो इंडिया गठबंधन के तहत ऐसे को दे दिया गया है, लोगों में आक्रोश पैदा है। पप्पू यादव लगातार एक साल से यहाँ पूर्णिया में हर दुख सुख में खड़े थे। प्रणाम पूर्णिया के तहत आप देखे होंगे लाखों दो लाख की संख्या में 9 मार्च को जो है एक जनसैलाब उतरा था, लेकिन पप्पू यादव के साथ कहीं ना कहीं छल हुआ है। पप्पू यादव के साथ जनता खड़ी है। पप्पू यादव को घबराने की जरूरत नहीं, एक एक जनता पप्पू यादव बनकर चुनाव लड़ेगी। पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे, 26 अप्रैल को देखेगी पूर्णिया, 4 जून को फैसला आएगा पूर्णिया में झंडा बुलंद। मैं कांग्रेस के विचारधारा के साथ खड़ी हूँ उनकी हर जनता, लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया से हर परिस्थिति में चुनाव लड़ेंगे। आपकी गाड़ी को रोक लिया है, काफिला रुका हुआ है, अब क्या कहेंगे आप यहाँ से? भैया मैंने पहले ही कहा कि मेरा और सीमांचल का संकल्प है राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना। दूसरा संकल्प है सीमांचल को दुनिया का नंबर वन करना। सीमांचल के हर घर हर परिवार की मैं आर्थिक आज़ादी चाहता हूँ हर परिस्थिति, और मैं खुशी देखना चाहता हूँ। मेरा परिवार है, मैं एक फैमिली को कमजोर नहीं होने दूंगा। दो, तीसरा, पूर्णिया की जनता हमारे हाथ में कांग्रेस की जनता दे दी है और उसको लोग पूर्णिया में स्थापित करना चाहते हैं। पूर्णिया की झंडा मेरे हाथ में स्थापित है और मैं उसको 26 तारीख को स्थापित कर रहा हूं। आपने फ्रेंड की बात तो आपसे नहीं की। मैंने कहा कि कांग्रेस की झंडा मेरे हाथ में और वो रहे।